अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तों। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि अभी हम आज़ाद कश्मीर के बहुत ही प्यारे शहर हजीरा में स्टे कर रहे हैं। हजीरा शहर में हमारा थोड़ी देर का स्टे था। यहाँ से अभी हम बंजोसा लेक जा रहे हैं जो कि यहाँ से 27 किलोमीटर दूर है। बंजोसा लेक बहुत प्यारी लेक है, वहाँ पे कुछ अरसा स्टे करेंगे और उसके बाद हम बरस्ता रावला कोट ज़िला बाग में नाइट स्टे करेंगे। ये वीडियो बहुत ही प्यारी होने जा रही है, इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें। हजीरा से मंजोसा लेक तक बड़ा ही मज़े वाला सफ़र रहा और यकीन करें कि कैमरा बंद करने का बिल्कुल नहीं दिल कर रहा था कि कैमरे को बंद कर दें। इतनी ग्रीनरी, इतनी मतलब रोड के ऊपर छांव, रास्ते में बादल आ गए और बड़ा मज़े वाला सीन हो गया। रास्ता बड़ा इंजॉय वाला था। तो अभी हम मंजोसा लेक पहुँच चुके हैं। यहाँ पर ठंडी ठंडी छांव, हवा और बड़ा मज़े वाला यहाँ पर भी सीन है। आप भी कभी आएँ तो मंजोसा लेक ज़रूर आएँ अगर आप आज़ाद कश्मीर आते हैं तो। अभी फिर अपना उड़न कबूतर ड्रोन उड़ाते हैं और आप ड्रोन के व्यूज़ एंजॉय करें, उसके बाद फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहाँ पे वैसे भी मौसम इतना प्यारा हो चुका है कि जाने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी यार आगे जाना है, एरियाज़ को कवर करना है। इंशाल्लाह टाइम बहुत कम है और हम एरियाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे। तो अभी भी मैं अपनी गाड़ी तक हाइक करके जा रहा हूँ, तो यकीन करेंगे यहाँ से जाने का दिल नहीं कर रहा। अब बिल्कुल बैक साइड पर चेक करें, सारी ग्रीनरी ही ग्रीनरी और क्या फूल पौधे, बड़े नज़ारे और खुशबू और फूलों की जो इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी आ रही है, आप सोच भी नहीं सकेंगे। Thank you.
अभी जिला बाग, यहाँ पे बाग टूरिस्ट होटल, यहाँ पे हमने नाइट स्टे किया है। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, खाना शाना खा लिया है। अभी रात के तकरीबन 8:40 हो चुके हैं। तो आज का उम्मीद है कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, जिसमें मंगला डैम, कोटली और इसके बाद हजीरा था, फिर उसके बाद बंजोसा लेक था। तो उसके बाद हम आए थे रावला कोट, लेकिन रावला कोट में ट्रैफिक बहुत शदीद जाम थी, क्योंकि आपको पता है ईद डेज चल रहे हैं। तो इस वजह से ये ज़िला बाग है, ये बिल्कुल टोटल बंद है। ये जिस होटल में हमने स्टे किया, ये हमने पूरा बुक किया है। बताऊँ क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस होटल में कोई भी नहीं है, ये बंद पड़ा हुआ है। तो ये किसी तल्लक के जरिए इस होटल को खुलवाया और यहाँ पे हम नाइट स्टे कर रहे हैं। पूरा शहर ये हफ्ते के लिए बंद है, क्योंकि यहाँ पे ईद उल अज़हा और ईद उल फितर, ये दोनों ईद पे 7 दिन पूरे छुट्टी करते हैं। ये आपको बता रहा हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। और अभी जो आपको मज़े की चीज़ दिखाने लगा हूँ, यहाँ पे जो सुबह व्यू आएगा ना, ओए होए होए मज़ा आ जाएगा। अभी इसको मैं खोलता हूँ खिड़की को, और उसके बाद आपको मैं अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ, जो पहले भी मेरे साथ काफ़ी टूर कर चुके हैं, लेकिन आप उनको शायद ना जानते हों। वैसे मेरे जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं वो सारे जानते हैं। तो अभी ये आप चेक करें जी, कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही होगी, लेकिन जो यहाँ पे शहर का व्यू नज़र मुझे आ रहा है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते होंगे। तो यहाँ पे सुबह बहुत अच्छा व्यू आएगा। तो अभी मैं चलता हूँ अंदर वापस। तो ये मेरे दोस्त लेटे हुए हैं, गुलाम हुसैन जी। लाला जी, आप भाई गुलाम हुसैन को लाला जी भी कह सकते हैं। बिल्कुल जी, कोई शक नहीं। ये सारे मेरे दोस्त जितने भी हैं वो भाई को लाला जी कहते हैं, लाला। और ये बैठे हुए हैं हसन भाई। हेलो। दोनों को सर्दी लग रही है, बड़ा ही प्यारा मज़े वाला सीन है इधर। तो बाकी अभी मैं भी लेटता हूँ, क्योंकि आराम करेंगे तो सुबह आगे जाएंगे। आगे हो सकता है जितना भी मतलब सफ़र कर चुके, हमारा टारगेट है अडंकेल और ताऊबट भी हो सकता है जाएं, लेकिन ये सारे एरिया कवर करेंगे, व्लॉग्स, ड्रोन शॉट, ये वो सब आपने देखे हैं। तो अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल ही सब्सक्राइब किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।